ये वाला खजूर गुड़ आप लोग कहाँ से लेके आए हैं? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से आए हैं आप लोग? 500 मीटर चलने में हमको लगता है आधा घंटा लग गया होगा। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और अभी 12 बजे ऐसे मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, 12 बज जाता तो फिर आफ्टरनून हो जाता। हाय मुस्कान, मुस्कान तेरा क्लास खत्म हो गया है? छोड़ दी मुस्कान, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी आजकल। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मतलब अभी नहा के आ रहा है, मनु को चाहिए खाना आज। खाना समझ में नहीं आया, बुढ़वा एकदम सही बोल रही मुस्कान। तुम थोड़ा कम बोलती हमको लग रहा है। महा बुढ़वा बोलती अच्छा लगता। दुनिया का पहला इंसान मैं, आज मेथी का पराठा बनाई हूँ। अब मनु बोला आपको दूध के साथ खाना है। देखो छिपकली, छिपकली नहीं है, इसको बोलते हैं गिरगिट। ये रहा, मैं तेरे से नहीं मांगी, मैं से प्यार करता हूँ। अच्छा प्यार रिश्तेदार था मुस्कान को पानी पीना था इसलिए भैया मांगा। भैया को दे दिए तो भैया खाना खाने से पहले पानी पी लेगा का? खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। उधर फ्रूट रखा हुआ जो कि मैं कल लाई हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मेथी बचा हुआ है। आधा मैं आज बनाई हूँ पराठा, और आधा कल बनेगा, क्योंकि रखेंगे तो खराब हो जाएगा, गल जाएगा, हरा मेथी है। इसीलिए कल भी पराठा बनाऊंगी मैं मेथी का, आज भी बनाई हूँ पराठा। मुस्कान खा ली है और मन्नू को भी मैं देने जा रही हूँ, कि मन्नू नहा धो के रेडी हो गया है। और आजकल ठंडा बहुत बढ़ गया है, बहुत ठंडा लगता है, तो अभी तो टाइम काफी हो गया है, इसीलिए स्वेटर वगैरह नहीं पहनी हूँ मैं। मुस्कान झाँक के भाग गई। आज मैं साथ में मूली का साग भी मैं बनाई हूँ, साग ही साग है, दूध के साथ पराठा। कौन खाता है? मन्नू खाता है। खाना खाने के समय में फोन लगे बैठा है। तुम पहले ही पानी पी लिया रे, खाना खाने से पहले। अभी मोड़ का चोटी लग गया है, इसका बाल बड़ा बड़ा हो गया था, हम सब चोटी लगा दिए हैं। अच्छा दिख रहा है ना? बहुत बेकार। हम लोग कुछ काम से घर से बाहर निकले हुए थे, लेकिन यहाँ तो रोड में इतना भयानक जाम लगा हुआ है कि जाना मुश्किल लग रहा है। देखिए इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है, क्योंकि प्लेयर लोग आए हुए हैं, यहाँ पे मैच होने वाला है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है, बहुत दिक्कत हो रहा है। ऐसे हम लोग का काम हो गया, हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन जाएँ तो जाएँ कैसे, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। कितना टाइम लगेगा हम लोग को यहाँ जाम से निकलने में पता नहीं। अभी सरकते हम लोग यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद फिर आके रुक गए यहाँ पे। मास्क है तो हमको मास्क जरूरी है, अभी मास्क ले लेते हैं और दिखाते हैं आपको वीडियो का हाल। इतना लंबा जाम लगा हम लोग को, 500 मीटर चलने में हमको लगता है आधा घंटा लग गया होगा। लगा के देखा ऐसे स्ट्रेचेबल है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं होगा, देख लो। मास्क के ऊपर मास्क लगाएगा। ठीक है, कॉटन नहीं है, लेकिन हम लोग जाम में बहुत बुरा फंस गए हैं। मुस्कान को तो बैठने के लिए भी मिल गया है, मुस्कान बैठी हुई है टेबल में, कुर्सी नहीं है, टेबल है, टेबल। मुस्कान मास्क खरीदने के बाद पहन भी लिया, स्माइली बना हुआ है इसमें, मुस्कान का स्माइली। अब जाम कम हो गया, अब हम लोग निकलते हैं। मुस्कान बिस्किट खा रही है, मुस्कान का मैचिंग कर रहा है। हम लोग यहाँ पे फिर से रुक गए हैं, यहाँ पे हम लोग एक जन को गुड़ बेचते हुए देखे हैं। मुझे तो देख के लग रहा है कि खजूर का गुड़ है, देखते हैं जाकर कि किस चीज का गुड़ है। चलो चलते हैं, चलो पूछते हैं उनसे क्या चीज का गुड़ है, कहाँ से लेके आए हैं। काफी दिन से देख रहे हैं इनको यहाँ पे बेचते हुए।
मसाला गुड़ है ना, मसाला गुड़ है हाँ, इसमें सब चीज मिलाया हुआ है। क्या मिलाया हुआ है इसमें? अदरक है, लौंग इलायची सब डाला हुआ। तो इसमें क्या यूज होता है? काढ़ा वाढ़ा बनाने के लिए? नहीं, ये लाल चाय बना के पी सकते हैं, ये सर्दी खांसी में खा सकते हैं। हाँ वही बोल रहे हैं। हाँ। ये वाला खजूर गुड़ है। आप लोग कहाँ से लेके आए हैं इसको? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से आए हैं आप लोग? कैसे दे रहे हैं? 200 रुपया के जी। वेट करने के लिए पूछा है की? अच्छा, मशीन रखे है। खा के देखो, ठीक है। तो आप लोग तमिलनाडु से तंदूर से कैसे लेके आए हैं सामान? ऑर्डर करने से आ जाता है। तो आप लोग यहाँ गए हैं कि तमिलनाडु गए? ऑर्डर करने से आ जाता है। वो कई कई दिन देखे तो गाड़ी भी आया था बहुत। हाँ, सारा गाड़ी भी आएगा, लोड करके फिर जाएगा। अच्छा, ये खजूर का ही पत्ता का बना हुआ है लग रहा है ना? ये ताड़ का पत्ता। अच्छा, ताड़ का पत्ता है। खजूर का पत्ता पतला रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, खजूर का पत्ता तो पतला रहता है। हम लोग हाफ के जी लेकर के जा रहे हैं, पहले उसको बना के देखेंगे, अच्छा लगेगा तो फिर वापस आएंगे लेने के लिए। टेस्ट कर लीजिएगा। उधर डाल दो। हम लोग आ गए हैं और अब रात का खाना का तैयारी कर रहे हैं। रोटी बन रहा है, सुबह का मूली का साग है बचा हुआ। आज तो बहुत बुरी तरह से हम लोग फंस गए थे जाम में। हम लोग को पता ही नहीं था कि प्लेयर लोग जाने वाले हैं, मैच कर रहे, वो भी पता नहीं है सबने, पर कोई बात नहीं। हाँ, खाली हो गया अब रास्ता, जाम हट गया। निकले बाहर, थोड़ा आगे गए तो पता चला कि आगे में और भयानक सा जाम लगा हुआ है। तो फिर हम लोग रूट चेंज किए वहां से, तो रूट चेंज करके दूसरे रास्ते से गए, तो दूसरा रास्ता भी वही हालत था। फिर वहां से फिर और दूसरा तरफ, मतलब कि दूसरा रूट पकड़े हम लोग, तब जाके आए हम लोग। इतना टाइम लग गया हम लोग को सिर्फ घूमते घूमते, वरना कब का घर पहुंच गए होते हम लोग। मैं इधर आप लोग से बात कर रही थी और थोड़ा सा यहाँ मेरा दूध भी गिर गया, मैं बात करने में रही, इधर दूध गिर गया। लोगों ने नौटंकी चल रहा है, मन लोग को बहुत जोर से भूख लगा था, इसलिए मैं दूध का पूरा फ्लेम तेज करके मैं रखी थी। बस बात करते करते दूध भी गिर गया थोड़ा सा। फिर मनु दौड़ गया, हम मनु को दूध का सेंट आया, मनु ब्रह्मा में कुछ मीठा बना रहे हैं इसको भूख लगा है जोर से। और अभी जो आप देखे किसी घर में खिला रहे थे, हमको मिलने वाला था नहीं, हम सब थोड़े दिमाग लगाते हैं, मसाला खिलाने खिलाने के बाद हम भी खा लिए। मनु बोल रहा है कि हम लोग घर का एक लौता बच्चा है, ही नहीं खाएगी तो कौन खाएगा। अपना बड़े बोल दे। हाँ बोलो। मेरा घर का एक लौता बच्चा है, ही नहीं खाएगा तो कौन खाएगा, सूखते जा रहा है। सूख जा रही है, पानी डालो, पानी जब सूख जाता है ना तो पानी डालना चाहिए भिगाने के लिए। उतना से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा डालो तो आपको भी है। हम ऐसे ही फूल आपको संतरा ही करने की जरूरत है, तो बैठते है तो सूखते ही नहीं। ये गुड़ लेकर के आए हैं, खजूर वाला गुड़। ऐसे तो इधर भी दुकान में मिल जाता है, मतलब छोटा मोटा दुकान में तो नहीं मिलता है, मॉल वगैरह में या होटल सब में मिलता है। मैं लाती हूँ हर साल गुड़, मतलब कभी 1 केजी, कभी 1.5 केजी, कभी 1/2 केजी। पर ऐसे मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ये लोग आए हैं यहाँ, तमिलनाडु से बोले कि तमिलनाडु से आए हैं। बेचने वाले तो शायद 2 कल ही थे, उसके आगे एक और बेच रहे थे, वो लग रहे थे कि हाँ उधर के हैं, तो वो लोग मंगाते होंगे और यहाँ ला करके बेच रहे हैं। मैं काफी दिन से मैं देख रही थी वहां पर कि वो लोग लेकर के बैठते थे वहां पे ये गुड़, तो मैं सोच रही थी कि मैं जाकर के पूछूं कि कहाँ से लेके आए हैं, क्या है। तो वही मैं आज गई और जाकर के मैं लेकर आई हूँ। इसका खीर बनता है बहुत अच्छा,
खीर में यूज करने से मतलब खीर में जो गुड़ डालते हैं ना, गुड़ वाला खीर, इस वाले गुड़ का खीर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। मैं पहले ही बना कर खाई हूँ खजूर वाले गुड़ का खीर, बहुत टेस्टी लगता है। ये नॉर्मल गुड़ का खीर से ज्यादा अच्छा इसका खीर लगता है, तो वही मैं बनाऊंगी किसी दिन। मैं चलती हूँ सोने के लिए क्योंकि काफी रात हो गया है, तो इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।